हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। इसके इस्तेमाल से यानी इसका यूज से हमारा प्लांट हरा भरा हो जाता है और काफ़ी हद तक रोग मुक्त हो जाता है यानी डिजीज फ्री हो जाता है। और ये हर घर में ही पाया जाता है, एकदम फ्री का चीज़ है। ये हमारा प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। गार्डन में कई बार आप देखे होंगे फ्रेंड्स, मेरे साथ भी होते रहते हैं कि सुबह जैसे हमने पानी देने के लिए आते हैं, हम देखते हैं कुछ कलियां किसी ने तोड़ के नीचे गिरा के रख दिया है। कलियां यानी बार्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी किसी ने लग रहा है कि काट के रख दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मैंडेविलिया का बर्ड्स है और देखिए किस तरीके से ये पत्ते के ऊपर ही पड़ा था। तो किसी और का काम ये नहीं है फ्रेंड्स। कुछ इंसेक्ट ऐसे होता है कि रात के टाइम पे आपका प्लांट में अटैक करता है और कलियां पे ही अटैक करते हैं, और जहाँ से कलियां जुड़ा रहते हैं प्लांट के साथ, उसी जगह से काट के प्लांट से हटा देते हैं कलियां को। तो जब भी आप इस सॉल्यूशन को रात के टाइम पे प्लांट में यूज करेंगे फ्रेंड्स, इसका स्मेल से ये सब इंसेक्ट एकदम दूर चले जाएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आपका गार्डन में और नहीं आएगा। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए फ्रेंड्स जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा वो है दूध यानी मिल्क। आप बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, पर उसमें फैट नहीं होना चाहिए। पर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव आपको रहेगा आप कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो रॉ मिल्क में पहले तो फैट ज़्यादा नहीं रहता है फ्रेंड्स, और रॉ मिल्क में जो बैक्टीरिया रहता है वो ज़्यादा असर करता है हमारा प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए रॉ मिल्क का यूज किस तरीके से करना चाहिए फ्रेंड्स, क्या क्या सावधानियां आपको लेना है, इसके इस्तेमाल से क्या क्या फायदा क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है, कौन से प्लांट में आपको इसको इस्तेमाल करना है और किस टाइम पे आपको इस्तेमाल करना है, हर क्वेश्चन का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा फ्रेंड्स। दूध में मिलता है फ्रेंड्स प्रोटीन, कैल्शियम और फैट। इसके अलावा हर तरीके से एंजाइम और मिनरल्स दूध यानी मिल्क में पाया जाता है। जिस तरीके से इंसान का बॉडी में भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है हड्डियों को मजबूत बनाने का, इस तरीके से हमारा पेड़ पौधों के लिए सुस्त रखने के लिए, पेड़ पौधों का सही विकास के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। प्लांट में जो सेल रहता है फिर जिसको कोशिका बोलते हैं, उसका विकास तो बहुत ही अच्छे से दूध के माध्यम से होता है फ्रेंड्स। इससे क्या फायदा होता है प्लांट में, इससे ये फायदा होता है कि प्लांट दूसरा न्यूट्रिएंट को भी अच्छा से ले पाता है। ज्यादा से ज्यादा मिर्च टमाटर का प्लांट में आप देखे होंगे फ्रेंड्स, इसका कुछ लीव्स काली होके नीचे के तरफ मुड़ गए होंगे और पीला होके झड़ रहे होंगे, तो ये सब कारण है कैल्शियम का डेफिशिएंसी। कभी आप देखे होंगे जो आपका प्लांट में जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हो रहे है, इसका भी रीजन है कैल्शियम। इस कारण में हमारा प्लांट बहुत ही कमजोर हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही वीक हो जाता है। और इस मौका में क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होता है, फंगस होता है, पेस्ट होता है, वो प्लांट को अटैक कर लेते हैं। मिल्क यानी दूध में जो एंजाइम पाया जाता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी हद तक प्लांट में जो फंगस लगता है, कुछ फंगस पे दूध बहुत इफेक्टिव काम करता है। यानी दूध एक नेचुरल तरीके से फंगीसाइड का भी काम करता है। दूध फंगस को मार नहीं पाता है फ्रेंड्स, पर इसको रोकने में और इसको बढ़ने नहीं देता है। आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आप मिल्क यानी दूध को आप किस तरीके से प्लांट में यूज करेंगे। आप प्लांट में मिट्टी में डालना चाहते हो फ्रेंड्स, तो 1 लीटर पानी में सिर्फ आपको 1 टेबलस्पून दूध को अच्छे से पानी से घोल के मिला के तभी प्लांट का मिट्टी पे आपको डालना है। पर आज आपको मैंने दिखाऊंगी फ्रेंड्स कि किस तरीके से मिल्क यानी दूध को प्लांट का लीव्स में आपको यूज करना है। मिल्क में काफी फैट रहता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको क्या करना है, इसका जो क्वांटिटी जो रेशियो आपको रखना है, आपको 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 टेबलस्पून ही मिल्क को मिलाना है। और अच्छे से मिला के सुबह शाम रात के टाइम पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं आपका प्लांट में। रात के टाइम यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो रात में जो आपका इंसेक्ट का अटैक होता है हमारा प्लांट में, उससे बहुत हद तक हम प्लांट को सेव कर सकते हैं। और इसका ये सावधानियां लेना है फ्रेंड्स कि ये वाला स्प्रे एक बार करने के बाद 3-4 दिन तक आपका प्लांट में और किसी का स्प्रे आपको नहीं करना है, खासकर तो कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे आपको नहीं करना है। नहीं तो आपने जो ये मिल्क का स्प्रे कर रहे हो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट आपका पूरा तरीके से नहीं मिलेगा।
और नियमित रूप से यानी रेगुलर बेसिस पे आपको करना है। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए भी मैंने आपको बोला फ्रेंड्स कि रेगुलर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। तो रॉ मिल्क से बनाया हुआ ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको रेगुलर बेसिस पे 4-5 दिन का गैप को छोड़ के आपको यूज करना है, तभी आपको आगे जाके मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, दूध का यूज करते ही आपने देखना कि आपका प्लांट में एक अलग चमक आ गए, अलग शाइन आ गए, और कुछ फंगस का बीमारी पत्ते में लगे तो वो भी काफी हद तक कम होना शुरू हो गए है। दूध का यूज करने से एफिड्स, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट का बीमारी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, दूध एकदम 100% प्योर ऑर्गेनिक है हमारे प्लांट के लिए, और दूध का यूज़ करने में सिर्फ दो ही सावधानियां आपको लेना है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा पानी में आपको नहीं मिलाना है। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 टेबलस्पून ही आपको दूध अच्छे से डाइल्यूट करके तभी प्लांट में यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दूध पानी के साथ मिलाएंगे तो फ्रेंड्स इसमें जो फैट रहता है वो हमारा प्लांट के लिए नुकसान करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका जो दूध का परत हमारा प्लांट के लिए उसमें जम जाएगा और पॉटिंग मिक्स में भी डालेंगे तो उसमें भी जम जाएगा। तो दूध का सही क्वांटिटी आपको होना चाहिए आप जब दूध का यूज करेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा सावधानी ये है कि जब दूध का स्प्रे आप प्लांट में करेंगे उसका 3-4 दिन के अंदर आपको और कोई स्प्रे नहीं करना है प्लांट में, और केमिकल स्प्रे तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है। अब चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको मिल्क को यूज करना है। देखिए, आप जो मैंने स्पून लिया है यहाँ पे टेबल स्पून, ये ज्यादा गहरा भी नहीं है, और मैंने यहाँ पे लिया है 500 ml का पानी। फ्रेंड्स इसके साथ मैंने 1/2 टेबल स्पून इस दूध को मिलाऊंगी। मिला के बहुत ही अच्छा से देखिए डाइल्यूट करना है आपको, और इसका कलर देखिए बहुत ही लाइट है, बिल्कुल आपको दूध का कलर दिख ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको मिलाना है फ्रेंड्स, उसके बाद स्प्रे बोतल में डाल के आपको पत्ते में बहुत ही अच्छा तरीके से एकदम नीचे नीचे से आपको पत्ते में स्प्रे करना है फ्रेंड्स। तो मेरा ये जो स्प्रेयर है फ्रेंड्स ये 2 लीटर का है, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे मिलाऊंगी। इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें दूध मिलाऊंगी। आप भी फ्रेंड्स आपका स्प्रेयर का कैपेसिटी का अनुसार ही आप दूध को मिला के तभी प्लांट में यूज कर लेना। जब आप दूध को पानी के साथ मिला के प्लांट में यूज करेंगे फ्रेंड्स, और कोई चीज मिलाने का आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल आपको पानी लेना है और दूध जो जिस क्वांटिटी में मैंने आपको बताया उस क्वांटिटी में अच्छे से मिला के फिर प्लांट में आपको सिर्फ स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप प्लांट में रॉ मिल्क का इस्तेमाल करते रहिए और इसका फायदा आपको जरूर नजर आएगा। एकदम घर का चीज है फ्रेंड्स, इसके लिए अलग से कोई बजट का आपको जरूरत नहीं है। 1 लीटर में सिर्फ 1 टेबल स्पून ही आपको चाहिए होगा, तो इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करिए फ्रेंड्स और इसका फायदा आप देखते रहिए। वीडियो पे कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर लेना। और कोई नया फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को, इस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को आपका प्लांट में यूज़ करने के बाद ही आपका फीडबैक, आपका जेन्युइन फीडबैक मेरे को दीजिए फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते फ्रेंड्स, मिलते हैं और कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स, बाय।